इसको ना, इसको लपेट के उसमें अपनी नाक के पास रखो, इसको सर को भी कवर कर लो, हवा लग रही है ठंडी पानी। मेरे पीछे बाइकर्स का जमावड़ा लगा है, ऑल बिकॉज हम लोग बारालाचा पास पहुंच चुके हैं। रोक लिया उसने, और ये देखो पूरा पानी हो रहा है पूरा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भाई। हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज भाटिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइडर पर। दोस्तों अभी हम हैं किलोंग में, कल मनाली से हम लोग किलोंग आ गए थे और यहीं पर स्टे किया हम लोगों ने। हालांकि हमारा मन था कैंपिंग करने का, लेकिन रात को बहुत लेट हो गया हम लोगों को यहाँ पहुँचने में, सो हम लोग यहीं रुक गए थे। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे और हमें कौन मिला था लास्ट व्लॉग में, वो भी देखने को मिलेगा। अभी ये हमारा पूरा रायता फैला हुआ है इधर से लेके इधर तक। व्लॉगर्स का, बाइकर्स का रूम ऐसा होता है। और इधर इमेजिन करिए हम इतना सारा सामान दो बाइक्स पे कैरी कर रहे हैं। अभी हो चुका है टाइम सुबह के 7:30, यहाँ से हम लोगों की निकलने की तैयारी है। ये सारा सामान हम लोगों को अभी गाड़ी पे लोड करना है और उसके बाद आगे निकलना है। इस सामान को फटाफट गाड़ी पे लोड करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं आगे। अभी मैं अपनी बाइक पर सारा सामान वामान लोड कर चुका हूँ। वहाँ सामने पहाड़ों पर देखो पूरी बर्फ छाई है, बादल छाए हुए हैं। हम लोगों ने जाना है इस तरफ भी पूरे बादल लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरा एरिया बादलों से घिरा हुआ है। हम लोगों को यहीं स्टॉप पर जाना है बारालाचा पे। आज की राइड बहुत ही टफ होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाला है आज का सफर। शुरू करते हैं, यहाँ रुके थे हम और आगे बढ़ रहे हैं। काफी देर हो चुकी है, करीब 10:45 का टाइम हो चुका है। घड़ी मेरी 1 घंटा फास्ट है तो उस पर मत जाना। जय माता दी, क्या खूबसूरत सा नजारा है यार, क्या खूबसूरत सा नजारा है। ये देखो पूरा ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, बहुत बड़ा है। वहाँ ऊपर से और ज्यादा ऊंचाई से आ रहा है ये, और यहाँ आगे बहुत आ गया। वो देखो, ओहो हो, वो देखो वहाँ ऊपर से ऐसे करके पूरा नीचे तक पानी आ रहा है, और कितना औसम लग रहा है भाई। लद्दाख जाने का असली मजा ना बाइक पर ही है, और स्पेशली मनाली से लेकर अगर आप ले जाते हैं तो मजा कुछ तो और ही होता है। ये देखो ये पूरा पानी आ रहा है वहां ऊपर से। वो ऊपर देखो पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है, पूरा पहाड़ बना हुआ है बर्फ का। ऐसे ही ग्लेशियर के बीच में से होके हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्या ही कहूँ इस नजारों के बारे में, जगह जगह से ऐसे प्यारे प्यारे झरने निकल रहे हैं ना यहाँ पर। और हम लोग अभी जिस पर से 5 किलोमीटर दूर हैं, और यहाँ पे काफी सारी कैंप साइट्स हैं जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं। तकरीबन 1000 रुपए पर पर्सन का चार्ज होता है यहाँ पर, इंक्लूडिंग फूड। सो अगर कभी आना हो तो आप लोग यहाँ पर भी रुक सकते हैं, और यहाँ के नज़ारे किलोंग से ज्यादा खूबसूरत है। अभी हम लोग ये वाला पुल क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे, और वहाँ पे शायद एंट्री वगैरह होगी उस जगह पे, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई है तो एंट्री के लिए ही रुकी होंगी। ये देखो पूरा नज़ारा, क्या बात है। एंट्री करानी है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे एंट्री होनी है। जी सर। सो एंट्री करवा के अभी हम आगे निकल गए। सीधा वाला रूट जाता है शिंकुला पास को, और जाके कनेक्ट होता है ले को। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ले वाले रूट पे जा रहे हैं, और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, क्या सुहाना मौसम हो रहा है, क्या पहाड़ नजर आ रहे हैं, क्या ही नजारा है यार ये, क्या ही नजारा है। सो गाइस पानी का बहाव बहुत तेज है, और बड़े ही आराम से यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। सो अभी यहाँ वाटर क्रॉसिंग पर रुक के थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करी, और अब आगे बढ़ चले। गजब गजब के नजारे हैं यहाँ पर, ऐसी वाटर क्रॉसिंग हमें काफी सारी मिलेंगी आगे। हर एक पे इतनी देर नहीं रुकेंगे, बस क्रॉस करेंगे और निकल जाएंगे। यहाँ गाड़ियाँ क्यों रुकी हैं, क्या कोई खूबसूरत नजारा है, प्यारे सा पानी तो आ रहा है यहाँ पे, और खूबसूरत भी लग रहा है।
रोक ले गाड़ियाँ। ओ भाई ये तो पूरी की पूरी झील है। अभी हम आए हैं दीपक ताल पे और यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। इसको दीपक ताल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे दीपक का शेप का है। वहाँ पर जहाँ बत्ती लगती है, इस जगह पे जहाँ बत्ती लगाई जाती है, उस तरह का शेप है और ये पूरा जो ऐसे राउंड करके है ना, पूरा दीपक की तरह है। सो अमेजिंग अमेजिंग से फैक्ट्स इन भाई लोगों ने बताया हमें और हमने आपको। यहीं से सांसें फूलना स्टार्ट हो गई हैं। कहीं भी जरा सी एक्टिविटी करो सांसें फूल जाती हैं। एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, वो वहां पर ठीक उस जगह पे मेरे को त्रिशूल का निशान नजर आ रहा है। ऐसे ऐसे करके ना पूरा त्रिशूल का निशान बना हुआ है। थैंक यू भैया, थैंक यू। लद्दाख के रूट पर ना हर जगह अलग नजारे हैं। आप एक मोड़ से दूसरे मोड़ पे जाओगे आपको अलग अलग नजारे नजर आते रहेंगे। और इस तरह के झरने तो इतने हैं कि उनका कहना ही क्या, क्या नजारा नजर आ रहा है यार सामने से। और बाइक देखो भाई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेकंड गियर पे इस स्पीड पे चल रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है। ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होता रहेगा। पहले से रिदम बना के रखना पड़ता है बाइक का, लेकिन गाड़ी पर लोड होने की वजह से उतना रिदम नहीं बन पाता है। आप बाइक को कहीं पर लीन नहीं कर सकते। अगर आपकी बाइक पर लोड है तब चढ़ाई में दिक्कत होती है। वैसे तो साइड से भी जगह है, वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप तो मेरा नेचर जानते ही हो ना, मुझे तो पानी से निकालने में ही ज्यादा मजे आते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, निकल गई निकल गई निकल गई। अभी आ रहे अभी आ रहे आ रहे आ रहे भाई आ रहे। कार आ रही है, थोड़ा सा साइड से निकालता हूँ। रोक ली उसने। और ये देखो पूरा पानी हो रहा है पूरा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्यों रुकना मत रुकना मत रुकना मत, निकल जा निकल जा निकल जा। ओ भाई पैर नीचे नहीं जाने चाहिए। ओ और निकल गए निकल गए निकल गए। शिट शिट मैन, गिर गए। यहाँ कोई मिलेगा नहीं बाइक उठाने वाला। अभी एक ट्रक आ रहा है उससे बोलता हूँ। निकल रहे ये तो पानी होगा सर। थैंक यू बॉस, तो इन लोगों ने हमारी हेल्प करी। तो अभी बाइक स्लिप हो गई थी और हालांकि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर पहले से स्क्रैचेस थे तो वो थोड़े से बढ़ गए हैं बस, और बाकी सारा तो सेफ है। ये यहाँ पर हल्का सा लग गई है और बाकी सब कुछ सेफ है, हम भी सेफ हैं। और थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, साथ ही साथ जहाँ से हम लोग आ रहे थे वो जगह थोड़ी सी ऐसे करके ऊंची थी पूरी, तो बाइक चढ़ाते समय वो पूरी तरह से चढ़ी नहीं और नहीं हम लोग बैलेंस होकर नीचे गिर गए। कोई बात नहीं, राइड है चलता रहता है। गार्ड्स इसीलिए पहने हैं ताकि इन ऐसी छोटी छोटी जगहों पर जब चोट लगे तो बचे रहे। चलते हैं आगे। गिर के फिर से खड़े होना और आगे बढ़ना, यही जिंदगी है। तो ऐसे ही हम भी आगे बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ से जो है बारालच्चा पास की चढ़ाई शुरू हो जाती है। सरचू यहाँ से 53 है, पांग 129 और ले 302। और हम आ चुके हैं जिंगजिंग बार। सो अभी हम रुके हैं जिंगजिंग बार पे और यहाँ पे कुछ खाने के लिए तो राजमा चावल खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत जोरों की लग गई थी। सुबह से सुना एक पराठा खा के निकले थे। अभी यहाँ से खाना वाना खाते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे। मतलब एक मोड़ से गुजरो और दूसरे मोड़ पे आओ तो नजारा ही बदल जाता है बिल्कुल। वो देखो सामने का नजारा, मतलब कितनी प्यारी सी वैली है यार ये, कितनी प्यारी सी, क्या कहें इसके बारे में। देखो
कितना प्यारा पानी आ रहा है यार, ऐसा लगता है जैसे ना दूध की नदी बह रही हो। यहाँ पर वो ऊपर देखो, कहीं भी नजर घुमा लो, सब जगह नजारा ऐसे ही आता है कि जैसे पानी दूध जैसा आ रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, जहाँ रुक के हमने राजमा चावल खाए थे वहाँ का हमारा बिल आया 430 रुपए का। 4 प्लेट राजमा चावल थे, एक हमने चिप्स का पैकेट लिया था 20 वाला, जो कि उन्होंने 30 का लगाया था, वो जेन्युइन है, तो 20 का 30 लगाना जेन्युइन है। लेकिन राजमा चावल मेरे को लग रहा है कि थोड़े से महंगे थे, 70-80 रुपीज तक प्राइस ठीक था उसका, लेकिन 100 रुपीज हो जाना मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगा। खैर क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो उन्हें पेमेंट देकर निकल गए थे हम, लेकिन आगे हम कहीं भी खाना वाना खाएंगे तो पहले रेट्स पूछेंगे उसके बाद ही खाएंगे। और गाइस हम अभी बर्फ के बिल्कुल साथ साथ चलने लगे हैं, सामने पहाड़ों पे बर्फ है और बिल्कुल ही पास में है ये, अभी ऐसे ऊपर ऊपर जाना है घूम घूम के। बारह लच्छा में तो मेरे ख्याल से कल बर्फ गिरी है, तो काफी अच्छा सा सीन देखने को मिलेगा वहाँ पे। देख रहे हो आप लोगों से बातें करते करते भी मेरी सांसें फूल रही है, तो ये सब हाई एल्टीट्यूड जोन की वजह से है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है। गाइस अब बिल्कुल रोड के साथ में बर्फ दिखना शुरू हो गई है, पीछे इससे बड़ा बैश था, व्लॉग में ले नहीं पाया क्योंकि कैमरा देर से ऑन हुआ। ये देखो गाइस, बिल्कुल रोड के साइड में, हमारे साइड में बिल्कुल बर्फ है और क्या ही खूबसूरत लग रही है। हालांकि ये वाली जो बर्फ है थोड़ी सी गंदी है, लेकिन आगे जब हम जाएंगे तो बिल्कुल व्हाइट बर्फ नजर आएगी हम लोगों को। वो देखो यार, पूरा ग्लेशियर है, मतलब बर्फ ही बर्फ है उसमें, पहाड़ तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। और हवाएं इतनी ठंडी हो रही है ना कि इन ग्लव्स में भी ठंडा लग रहा है। गाड़ी चलाते रहना जरूरी है क्योंकि जब तक हम इसे क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ठंड कम नहीं होगी। सारा जैसी वीडियो आने, ये खिसकना बंद होगा, ये खिसके खिसके ऐसे वहाँ ऊपर से खिसक खिसक के नीचे आ गए हैं पहाड़। मेरे को डर है ये वाले ना किसके जाम में खड़ा हूँ। और अभी भाई बता रहा है कि आगे जो है जाम लगा हुआ है, इसलिए हमें रोका गया। गले में ठंड लग रही थी तो इसलिए मैं ये स्टॉल डाल ले रहा हूँ गले में, ताकि ठंड थोड़ी कम लगे। और ये वाले ग्लव्स इसके नीचे पहन ले रहा हूँ क्योंकि हवाएं ठंडी है और ठंडा लग रहा है। सो ऐसे प्यारे प्यारे गेस्चर्स मिलते रहते हैं और काफी हिम्मत मिलती है इन गेस्चर्स से। सो पहले एक साइड की सारी गाड़ियां निकली है और अब हम निकल रहे हैं। इस जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ता बंद हो गया था, ऑल थैंक्स टू बीआरओ जो कि बहुत ही जल्दी से रास्ता खोल देती है, और हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए बहुत इजी रहता है फिर ट्रैवल करना, ज्यादा समय वेस्ट नहीं होता। और मेरे राइट साइड में अभी सूरज ताल, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा, जो लोग इस साइड को फंसे हुए थे उनके लिए अच्छा था कि इस जगह पे काफी फोटोग्राफी करने को मिल गई होगी। और हम अनलकी है कि यहाँ पर रुक नहीं सकते। क्या बात है, सूरज ताल से आगे बढ़ते ही नजारा देखो यार, कितनी पास आ गए हम लोग। मेरे पीछे बाइकर्स का जमावड़ा लगा है, ऑल बिकॉज हम लोग बारालच्छा पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। पिछली बार जब सन 2019 में यहाँ आया था तो दोनों साइडों में बर्फ़ थी और बोर्ड पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। अगर फोटोज होंगी मेरे पास तो आप लोगों को देखने को मिल गई होंगी। ये ऐसी जगह है कि जाने का मन नहीं करता इस बार, मुझे नहीं पता कि क्यों बर्फ इतनी कम है, क्योंकि पिछली बार 30-30 फुट बर्फ थी इस जगह पे। आप देख रहे हो बोलने में भी सांसें फूल रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस फोटोज खिंचाएंगे और निकल चलेंगे आगे। हाँ सर भी ढको तो भी है, एक काम करो इसको ना, इसको लपेट के उसमें अपनी नाक के पास रखो, इसको सर को भी कवर कर लो, हवा लग रही है ठंडी, पानी वानी पी रहे हो? हेलमेट 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 लगाओ, कुछ है नहीं कुछ आपके पास? वो तेरे पास नीचे जा रहा लहसुन। हाँ लहसुन दे दे, लहसुन दे दो, हाँ खा लेंगे, एक लहसुन की खा दे दो, लंबा लंबा ब्रीथिंग करो, इसी में से एक निकाल के दे दो, कुछ नहीं कुछ नहीं, 10-20 किलोमीटर नीचे जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। रख लो बहुत अच्छी चीज है, मुंह में रख लो, मुंह में इसको अच्छे से चबाना, चबाने के बाद पानी पी ले, अभी अभी रख लो, ये तुरंत रख लो और नीचे तक तो ठीक हो जाओगे वैसे ही, कवर कर सकते हो ना उससे, कर लो ठंडी हवा नहीं जाएगी। वो मैंने कपूर दिया ना इनको, हाँ वो सूंघते रहो और कवर कर लो, निकलो सीधे। थैंक यू। अभी यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करी हैं, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार आप लोगों से जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जब भी आए ना इस तरह से अपना नाम ना लिखें, ये बीआरओ की प्रॉपर्टी है, हमारे लिए बनाई गई है ताकि हम लोग अच्छे से ट्रैवल कर सकें, तो ये सब चीज़ें ना इन जगहों पर अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ जब भी आए ऐसा कुछ ना करें प्लीज़।